शहर की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने दाई दीदी क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। इस दौरान शहर विधायक, महापौर व आयुक्त भी उपस्थित रहे। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप इस बार महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने दाई दीदी क्लिनिक मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर दुर्ग के वार्ड 5 गोवर्धन चौक पर वार्ड की जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा में महिलाओं के लिए विशेष चलित मोबाइल वैन का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद, राजेश शर्मा सहित अन्य उपस्थित होकर वार्ड की जनता के बीच पहुंचे और इस बेहतर सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताते नजर आए। साथ ही वार्ड की जनता से चर्चा कर इस मोबाइल यूनिट में किए जाने वाली जाँच के बारे में भी बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आखिरी छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का को लेकर योजनाएं बनाते हैं, व्यक्ति को इकाई बना के योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। आज आप देख रहे हैं दाई दीदी क्लिनिक का जो MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से हमारी दाई मन के दीदी मन के इलाज को निःशुल्क इस मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से किया जाएगा। लगभग 40 प्रकार की जाँच इसमें निःशुल्क होगी और हमारी बहनें इसमें हर प्रकार की चर्चा, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स भी लेडीज़ है, जो चेक टेस्ट करने वाले भी लेडीज़ है, ड्राइवर छोड़ के सभी स्टाफ इसमें लेडीज़ है, हर प्रकार की चर्चा, अपनी निजी चर्चा भी इसमें बीमारी के बारे में इस यूनिट में हमारी बहनें इसमें कर सकती है निसंकोच होके। मैं हमारी बहनों को, हमारी माताओं से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मोबाइल मेडिकल यूनिट का आप लोग लाभ लेवे, क्योंकि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी माताओं और बहनों के लिए लागू की है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ पूरे प्रदेश के लिए किया। उसी कड़ी में आज ये दाई दीदी क्लिनिक ये हमारे गोवर्धन चौक में पहुँची है और हमारी जो बहनें हैं, माताएँ हैं, उनका फ्री में यहाँ पर इलाज होगा और यहाँ की सारी जिनको 42 प्रकार की जो बीमारियाँ हैं या और भी कोई बीमारी हो उसका इलाज फ्री में राज्य सरकार के द्वारा इस एम्बुलेंस में किया जाएगा और सारे इसमें स्टाफ पूरा महिला है, एक भी पुरुष नहीं है इसमें। पुरुष अगर है तो वो सिर्फ वाहन चालक है, ड्राइवर है, बाकी सारी महिलाएं हैं जो हमारी दाई दीदी मन के इलाज करी और फ्री में करी। और बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री जी ला गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद। ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो हमारे प्रदेश में, सबके ध्यान रखे थे, किसे पूरे सबके ध्यान रखे थे और सबके इलाज के लिए सब सुविधा। 4 गाड़ी और चले थे हमारे शहर में और ये गाड़ी सप्ताह में 4 दिन चली, जहाँ जरूरत हुई वहाँ गाड़ी भेजी जाए। मैं पहले ही 4 MMU गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन ये स्पेसिफिक दाई दीदी क्लिनिक है जो केवल महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित है। इसमें डॉक्टर और सारे स्टाफ महिलाएं हैं, तो महिलाओं को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिसको पुरुषों से डिस्कस नहीं कर पाती हैं, उसके लिए वो एक सुविधा है। और सारी ऐसे जगह पे जहां पे मतलब चौक चौराहे जहां पे हमारी पुरानी MMU जा रही थी उसको छोड़ के नए जगहों पर हम लोग इस MMU को चलाएँगे और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड रखेंगे। इसमें ये MMU 2 जगह पर चलेगी, कुम्हारी पर और अपने दुर्ग पर। तो दुर्ग में हम 4 दिन चलाएंगे और कुम्हारी को 2 दिन के लिए देंगे और 1 दिन इसका अवकाश रहेगा। तो इससे महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी और वो अपनी डिस्कशन भी कर पाएंगे अपनी बीमारियों के बारे में और लाभ भी मिलेगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल, इस जगह पर भी हमारी MMU जाके जो बच्चे हैं उनको सुविधा का लाभ दें। महिलाएँ जो हैं वो हर तरह का दिक्कत एक पुरुष को नहीं बता पाती हैं, जैसे कि पानी निकलना और भी पीरियड्स के से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं वो कुछ भी नहीं वो बता पाती, उस कारण वो संकोच करती है, बस के अंदर आने से भी संकोच करती है। तो ये जो क्लिनिक है इससे इनसे मेनली महिलाओं को ही सुविधा होगा, अपनी सारी जो भी महीना के दौरान दिक्कतें होती हैं उसको बताने में सुविधा होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं जो डेली महिलाओं को पता होनी चाहिए और जिसका इलाज मतलब
रोज के दौरान जैसे पैड यूज़ करना है या कपड़ा यूज़ करना है या क्या चीज़ें नहीं करनी है या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें एक आम महिला को नहीं पता होती है, जो हम यहाँ पे बताएंगे और जितना भी इलाज हो सके और जो भी सुविधा हो सके हम प्रोवाइड कराएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।